ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी की तमाम खबरों की ओर। खबर बेवर से है, जहां 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। खून से लथपथ बच्ची जब घर पहुंची तो घटना का खुलासा हुआ। आपको बता दें, सड़क किनारे डेरा डालकर ये परिवार रहता है। शौचक्रिया के लिए दोनों बहनें खेतों में गई थी। अज्ञात व्यक्ति ने खाने के बहाने उन्हें बुला लिया और अपने साथ बड़ी बहन के साथ अज्ञात ने दुष्कर्म किया। मासूम बच्ची जब घर खून से सनी हुई पहुंची तो परिजनों ने उसको रोते बिलखते देखा और उसने रोते बिलखते अपनी घटना बताई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और बच्ची को डॉक्टरी प्रशिक्षण के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, महिला अस्पताल में बच्ची को भेजा गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सुबह चाय आया पिला के फिर हम लोग चारे के चले, घास के लिए चले गए। बच्चा लेटरिन करने के लिए हम गए। फिर काफी देर बाद बच्चे जब दोनों जो आए हैं, दोनों बच्चियां, फिर बच्चे ने बताई। बच्चों ने क्या बताया आपको? बताई कि एक लड़का तो माना कही कि हम तुम्हारे चाचा लगा था, तुम्हारी मम्मी हमारे घर आती जाती, तुम्हारी दादी आती जाती, चलो तुम्हें समोसा खिलाया था। तो बड़ी मोड़ी ने समोसा खा ले, जाने छोटी भाई ने खाया नहीं समोसा, ऐसा जन क्या खिला दिया, ये बेहोश हो गए या दोनों को ले गए। उसके क्या लग रहा है? बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। रिश्ते में कौन लगती है? रिश्ते में हमारी तो भतीजी लगते हैं, हम ताऊ हैं उसके। जी, आया क्या पूरा मामला? थाना बेवर में बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर मैंने अभी हस्ताक्षर किया। बच्ची के पिता द्वारा तहरीर दे दी गई, उस पर मतलब पंजीकृत किया जा रहा है। जल्दी हम लोग इसमें कार्रवाई करके दोषी को जेल दे देंगे। किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया? अभी जस्ट सूचना आई है और हम लोग इस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे जो भी दोषी।